हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपी संयुक्त कृषि सेवा के तहत कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो है इस प्रकार से है, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप टू ग्रेड वन के लिए, और दूसरी है प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप टू के लिए, और तीसरा है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए। अगर आप फार्म भरने से जा पाने तक का पूरा प्रोसेस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एज कितनी होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है। हम टॉपिक वाइज से सभी आपको बताएंगे, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि सेवा के लिए वैकेंसी निकली है उसे दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में दो पोस्ट हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप टू ग्रेड वन। इसके लिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से किए हैं तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी रसायन विज्ञान से किए हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य परीक्षण, खाद्य विज्ञान में एमएससी किए हैं तब भी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ग्रुप बी के अंतर्गत आने वाले पोस्टों के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप बी के अंतर्गत आने वाली पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए एग्रोनॉमी ब्रांच। एग्रोनॉमी ब्रांच के अंतर्गत जो यह पोस्ट निकाली गई है इसके लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से एमएससी एग्रोनॉमी से किए हैं तो इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए बॉटनी ब्रांच। वनस्पति शाखा के लिए यह जो पोस्ट निकाली गई है इसके लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि वनस्पति विज्ञान या प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी किए हुए हैं तो इस पद। अगली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट प्रोटेक्शन पौधा संरक्षण शाखा के अंतर्गत जो यह पोस्ट निकाली गई है इसके लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में एमएससी किए हुए हैं तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए केमिस्ट्री ब्रांच। रसायन शाखा के अंतर्गत जो यह पोस्ट निकाली गई है इसके लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण विज्ञान में एमएससी किए हुए हैं तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच। यह पोस्ट जो विकास शाखा के अंतर्गत
निकाली गई है। इसके लिए अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से MSc AG किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो पोस्ट हैं ये सभी ग्रुप बी के अंतर्गत आने वाली पोस्ट हैं। इन सभी पदों के लिए, पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया है। फार्म ऑनलाइन हो रहा है। यह फार्म जो है 29 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है ऑनलाइन होना, और लास्ट डेट जो है वह 25 जनवरी 2021 है। और जो एग्ज़ाम की फीस का पेमेंट करना है वो भी 25 जनवरी 2021 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फार्म में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या 25 तक आपने फार्म को पूरा फिल नहीं किया है, पूरा नहीं भर पाए हैं, तो 29 जनवरी 2021 तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, और जब डेट नहीं आया है तो एडमिट कार्ड फिलहाल अभी नहीं आया है। तो चलिए इसके बारे में अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की गई है। जैसे जनरल और OBC वालों के लिए 125 रुपये, SC और ST वालों के लिए 65 रुपये, PH कैंडिडेट जो लोग विकलांग हैं उन लोगों के लिए 25 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। यह फीस आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI ई चलान मोड से कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जो 21 वर्ष उम्र है या 1 जुलाई 2020 को पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद आपकी उम्र जो है 21 वर्ष पूरी होती है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो उम्र में छूट भी मिलती है जो इस प्रकार से है, अगर आप खिलाड़ी हैं या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक हैं या माध्यमिक विद्यालय में आप शिक्षक हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के जो विकलांग हैं अभ्यर्थी उनके लिए 15 वर्ष जो है अधिक समय मिलेगा, फार्म को अप्लाई करने के लिए 15 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप आर्मी हैं और आर्मी में 5 वर्ष आप काम किए हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों अब हम आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दें। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वह अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से थोड़ा अलग होता है। इसमें जो है 2 परीक्षाएं होंगी, पहला प्री और दूसरा मेंस, ठीक है। तो प्री परीक्षा में जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के गलत होने पर 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। प्री में पास होने के बाद आपको मेन परीक्षा देनी होगी। मेन परीक्षा जो होगी वह लिखित में होगी। एक प्रश्न के गलत होने पर जो है 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे, जिसे 1/4 नंबर भी कहा जाता है। इन दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका जो प्री एग्जाम का सिलेबस है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। कृषि को अलग कर दिया गया है और सभी विषयों को अलग कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले अन्य किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान जो हाई स्कूल के स्तर तक आपसे पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता जिसे रीजनिंग कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित जो 8वीं स्तर तक पूछे जाएंगे, इनमें अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित।
शामिल होगा और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी विषयों से जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि फ्री में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे टोटल 120 प्रश्न होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे की समय दिया जाएगा। तो 40 प्रश्न इन सभी विषयों से। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कृषि के किन किन विषयों से प्री एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से विषय हैं इकोलॉजी, एग्रोनॉमी, बीज साइंस, सोयल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉयल एंड वाटर कन्वर्वेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सेल बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक, फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इन सभी विषयों से कृषि के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि प्री एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 300 नंबर के होंगे। आपको जो समय मिलेगा वह 2 घंटे की समय मिलेगा। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों अब हम आपको मेंस एग्जाम के बारे में बता दें। मेंस एग्जाम जो होगा वह लिखित में होगा। मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मेंस एग्जाम में 2 विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला हिंदी, हिंदी में जो है सामान्य हिंदी और निबंध से प्रश्न आएंगे, इन्हें सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक है वह 100 नंबर का होगा, ठीक है। और दूसरा विषय जो है वह वैकल्पिक है। आप एमएससी किस विषय से किए हैं या आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं तो आपको एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो है पूर्णांक 200 अंकों का होगा। इन दोनों परीक्षाओं को बीट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी जानकारी और जो छूट रही हैं उन सभी का पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पीडीएफ बनाकर दिया गया है। तो दोस्तों यूपीएससी की बेहतरीन से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर